हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम घूमने के बारे में। असम भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध इतिहास के लिए जाना जाता है। असम जंगलों, नदियों और चाय के बागानों से भरा हुआ है। यह राज्य बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमाओं को साझा करता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी शानदार पहाड़ियों, समृद्ध वनस्पतियों, जीवों, प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। नंबर एक, माजुली। माजुली जोरहट शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में एक हरे भरे पर्यावरण के अनुकूल प्राचीन और प्रदूषण मुक्त ताजे पानी का द्वीप है। माजुली दुनिया की सबसे बड़े नदी और द्वीप है। यह पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। नंबर दो, गुवाहाटी। गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ पूर्व उत्तर भारत में आसाम का सबसे बड़ा नगर है। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। गुवाहाटी शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सेवन सिस्टर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नंबर तीन, कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी में दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी का मंदिर का महत्व बहुत अधिक है। यह मंदिर आसाम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या देवी का मंदिर भारत में प्रमुख मंदिरों में से एक है। नंबर चार, दिसपुर। दिसपुर मनोरम दृश्यों, अनूठी परंपराओं और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से भरा हुआ है। दिसपुर आसाम राज्य की राजधानी है। दिसपुर एक चाय नीलामी बाजार के रूप में भी प्रसिद्ध है। नंबर पाँच, शिवसागर। शिवसागर आसाम का एक संस्कृत शहर है जो किलों से भूमिगत वास्तुकला के साथ कई मंदिरों के लिए आकर्षणों से भरपूर है। शिवसागर अपनी कई वास्तुशिल्प, इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। नंबर छः, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी से 439 किलोमीटर दूर स्थित आसाम का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर आसाम का एक प्रमुख सौंदर्य है। डिब्रूगढ़ भारत के चाय शहर के रूप में भी प्रसिद्ध है। नंबर सात, सुवलकुची। सुवलकुची आसाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव है जो आसाम की संस्कृति और परंपराओं को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करता है। यह रेशम के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर आठ, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के आसाम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। यह पार्क एक सिंह वाले गेंडे की सबसे आबादी के लिए प्रसिद्ध है। वेल दोस्तों, ये तो थी आसाम के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।